नोटबैन पर राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कड़ी आलोचना की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि सरकार का ये शक अब यकीन में बदल गया है कि काले धन पर कार्रवाई से तकलीफ आम जनता को नहीं सिर्फ विपक्ष को है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर इशारों में निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि जिनके नेतृत्व में चली सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए उन्हें अब काले धन पर कार्रवाई ब्लंडर लग रही है। जेटली ने नोटबंदी से जीडीपी घटने के मनमोहन के दावे को खारिज कर दिया। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है, चर्चा हो और जो जो कदम सरकार ने उठाए हैं और आज की वास्तविक स्थिति है और देश हित में सरकार ने जो कदम उठाए हैं सार्वजनिक जीवन को व्यावसायिक जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए, सरकार स्पष्टता से उसको डिफेंड करेगी। यह सुनकर भी बहुत खेद हुआ बहस के दौरान कि उस सरकार का संचालन करने वाले लोग जो 2004 से 14 तक सरकार में थे, जहां शायद इस देश में सबसे अधिक ब्लैक मनी का जनरेशन हुआ होगा, सबसे अधिक भ्रष्टाचार के कांड हुए होंगे, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम, कोल स्कैम, जो लाखों करोड़ों रुपए के स्कैम्स हुए जिसपे न्यायपालिका के भी निर्णय आए, CAG के भी रिपोर्ट्स आई और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है, वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा है। चर्चा आगे होगी तो ये तर्क भी सदन के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन मुझे इसकी आशंका लगती है कि शायद विपक्ष और कुछ समय के लिए इस चर्चा को आगे न बढ़ सके। जो सरकारें कदम उठाती हैं अर्थव्यवस्था और देश के हित में, उन सरकारों को इस प्रकार की आलोचना की चिंता नहीं होती। पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार भिन्न है। पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था, उस सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कड़े और कड़वे निर्णय देश के हित में ले पाए। इस सरकार में वो हिम्मत है और इस सरकार ने व्यापक देश हित में उस कदम को उठाया है। एज फार एज द लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, इंक्लूडिंग ऑन इंडिया GDP, इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। व्हाई आई से इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी दैट ऑपरेट्स इन द शैडो इकोनॉमी will now become a part of the banking structure itself. The banks will have a lot more money to support the economy. The private sector investment which was so far lacking will now get back into the economy. The banks which were struggling because of the NPA problem will have a lot more money to lend for agriculture, for infrastructure in the social sector as also for trade and industry. The possibility of banks having low-cost funds now available to lend at lower cost also arises. Additionally, when more and more transactions will come into the banking network, in the long run, you will find taxation, both direct and indirect, improving, and therefore over a medium and long term, there will be a positive impact on the economy. I think it would be prudent for any economist to really look beyond the immediate impact when the remonetization process is on and look at India post remonetization. गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी पर राज्यसभा में अपने संबोधन में नोटबंदी के नुकसान गिनाते हुए कहा था कि ये सरकार की बड़ी चूक है, इससे देश की GDP को नुकसान होगा।